हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है माद, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मीन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माद से रिलेटेड प्रश्न, जो कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है, उन सारे प्रश्नों को हम एक एक करके देखेंगे। और पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि माद, मादिका और बहुलक का कौन कौन सा फॉर्मूला होता है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर माद मादिका का जो हम फॉर्मूला का एक वीडियो बनाया है उसको आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे स्पेशल कि माद से रिलेटेड कैसा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। तो ठीक है, तो इसमें दो तरह के प्रश्न आप लोगों से बनता है। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ों का माद निकालने के लिए आपसे कहा जाता है, और एक होता है वर्गीकृत आंकड़ों का माद। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का माद का कैसे हम लोग निकालते हैं और इसका कौन सा फॉर्मूला होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि x1, x2, x3, डॉट 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 xn, ये आंकड़ा है। ठीक है, ये क्या है, आंकड़ा है। तो आंकड़ा आपको दे देगा और कहेगा कि इसका माद आप निकालिए। तो पहले आप जान लीजिए कि माद का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यानी जो भी आपको आंकड़ा दिया रहेगा उस सबको आप जोड़ दीजिएगा पहले। ठीक है, और बटा में आंकड़ों की संख्या कहने का मतलब इसको आप काउंट कर लीजिएगा, गिन लीजिएगा, एगो दूगो तीनगो जो भी हो उसे आप भाग दे दीजिएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा xi बटा n। n क्या है, तो आंकड़ों की संख्या, और सिग्मा एक मतलब यहां पर आंकड़ों को हम सबको जोड़ दिए हैं। सिग्मा का मतलब होता है योग। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है बस क्या, योग। अब इस बात को हम एक प्रश्न से समझते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। जैसे आप लोगों के पास एक प्रश्न है, दिखाई दे रहा होगा कि आंकड़ों 2, 3, 4, 5, 6 का माध ज्ञात करें। तो आप लोगों से सिंपल सा एक प्रश्न, इस तरह के प्रश्न जो है ना हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है, एक नंबर के सवाल में। तो आप सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर इसका माध आपसे पूछ रहा है तो माध का अभी आपको फॉर्मूला बताया गया कि आंकड़ों का योग, तो इस सभी आंकड़ा को आप जोड़ दीजिए। जैसे 2 को +3 +4 +5 +6 सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, और इसको आप काउंट कर लीजिए कि कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 को संख्या है तो आप 5 से भाग दीजिए। अब ऊपर वाला सबको आप जोड़ कर देख लीजिए कि कितना आता है, देखिएगा जोड़ कर। पहले तो 6, 4 जोड़ेंगे तो 10, 10, 5, 15, 15, 3, 18, 18, 2 जोड़ेंगे तो 20, तो 20, और बटा में ये क्या है, 5 है, तो इसको आप चाहे तो आप काट सकते हैं इस तरह से 4 बार में, तो आपका आंसर जो है वो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो एक नंबर का सवाल में आप लोगों से इस तरह के आंकड़ा, कुछ भी आंकड़ा हो सकता है, आप लोगों से ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि अब आप इस तरह के आंकड़ा का अगर दिया हुआ रहे तो आप क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। अब आपको बताते हैं इसी टाइप में एक और घुमाकर प्रश्न पूछा जाता है, वो कैसा प्रश्न होता है उसको हम लोग देखते हैं। दूसरे तरह का प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध ज्ञात करें। इसमें कोई भी आंकड़ा आपको नहीं दिया गया है, लेकिन आपको इस तरह से भाषा के रूप में आप लोगों से एक नंबर के सवाल में हर साल पूछा जाता है। जैसे देख लीजिए, पहले तो आपको कहा गया कि प्रथम 5 को प्राकृत संख्या, तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन कौन होता है, 1 है 2 है 3 है 4 है और कितना है 5 है। ठीक है, यही 5 को प्राकृत संख्या होता है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका माद निकाल लेना है। तो इसका माद निकालने के लिए सबसे सिंपल सा फॉर्मूला, आप ही 5ों को जोड़ दीजिए, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और बटा में हम कितना से भाग देंगे, तो इसको आप काउंट कर लीजिए, 5 को कह ही रहा था कि 5 को संख्या है, तो आप 5 से भाग देंगे। अब ऊपर आप जोड़ के देख लीजिए, 5, 4, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 1, 15, तो 15 और बटा में 5 है, इसको आप काट सकते हैं, 5 + 3 = 15, यानी आंसर जो आपका आया वो कितना आया, 3 आया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन रहेगा कि इसका 3 है 4 है 5 है, इस तरह से ऑप्शन मिलाइएगा, तो आपका ऑप्शन अगर 3 में मिलता है तो आप उसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक नंबर का सवाल यह भी आपको बनता है। एक और तरीका से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न को आप देखिए, इस तरह से आप लोगों से पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि यदि आंकड़ों 2, 3, 4, 5 और x, यहाँ पर x या p या a कुछ भी करके यहाँ पर नंबर गायब रहेगा और दिया हुआ रहेगा, कहा जाएगा कि जिसका माद कुछ है, तो यहाँ पर माद क्या है, 4 है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जाता है, जो या तो 2 नंबर के सवाल में आएगा या तो 1 नंबर के सवाल में आएगा। कैसा रहता है देख लीजिए, पहले आपको आंकड़ा दिया गया, एगो 2, 3, 4, 5 और एगो x है, तो यहाँ पर आपको कैगो आंकड़ा है, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, तो पूरा 5 को है, जिसका माद भी आपको दे दिया। माद इस बार नहीं निकालना है, इस बार आपको x का मान निकालना है। तो कैसे बनाते हैं इस
तरह के प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले तो आप माध निकालिए, जैसे आप निकालते हैं तो माध का क्या फॉर्मूला आता है, सबको हम जोड़ देते हैं, तो 2 + 3 + 4 + 5 और प्लस में क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है 3 है 4 है 5 है और एक्स है, और बटा में आप सोच लीजिए कितना संख्या था, 1 2 3 4 5, तो हम 5 से भाग देंगे। ठीक है, 5 से क्यों भाग दीजिए, क्योंकि पूरा 5 को संख्या। अब आप देखिए यहाँ से प्रश्न से पढ़िए, माध जो निकालेंगे माध का वैल्यू पहले से मान देले है, कितना देले है, 4 देले है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 4 और इसको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़िए 5 और 9 3 12 और 2 14, तो लिखिए 14 + x और बटा में 5। ठीक है, अब इसको आप समीकरण के रूप में आराम से क्रॉस गुना करके बना सकते हैं, तो क्रॉस गुना कीजिए, इसके बटा में कुछ ना थे, इसको पहले एक से गुना कर लीजिए, तो क्या लिखेगा 14 + x बराबर, ये 5 में 4 से गुना कीजिएगा तो 5 चौका 20। ठीक है, अब आगे देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स को इधर छोड़ दीजिए, ये 20 इधर रहेगा, प्लस जो 14 इधर दिखाई दे रहा है इधर आके -14 हो जाएगा, तो 20 में से 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6, तो इस तरह से आपका एक्स का जो आंसर आया वह 6 हो गया। तो आप चाहे तो इस तरह से, आपको दो तरह के प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि एक्स का मान ज्ञात करें और डायरेक्टली कहा जाएगा कि माध ज्ञात करें, तो अब हमें उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। तो ये तो रहा बस एक नंबर की बात, अब हम लोग थोड़ा सा 5 नंबर वाला बात कर लेते हैं कि कैसे आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं 5 नंबर वाला प्रश्न कैसे पूछा जाता है माध का। ठीक है, तो उसमें आपको क्या कहेगा, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध तो हम लोगों ने अभी देखा कि जैसे उसमें बॉक्स बनाकर नहीं दिया रहेगा, लेकिन वर्गीकृत आंकड़ों का माध निकालने के लिए कहा जाएगा, तो आपको एक बॉक्स के रूप में इस तरह के प्रश्न आपको दिए रहेंगे, या तो ऐसे रह सकता है, देख लीजिए आपको चर या बारंबारता x1 x2 x3 .xn, यहाँ पर f1 f2 f3 .fn, या इस तरह से आपको वर्ग अंतराल करके लिखा रहेगा, ज़्यादातर प्रश्न जो है ना आपको वर्ग अंतराल करके ही लिखा रहता है, वर्ग अंतराल 0 से 10, या एक जरूरी नहीं कि 0 से 10, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो अंतराल कुछ इस तरह से आपको दिए रहेंगे और नीचा में आपको बारंबारता दिया रहेगा, और तब आप लोगों से कहा जाएगा कि आप माध ज्ञात करें, और माध ज्ञात करने का कौन सा विधि है, प्रत्यक्ष विधि। फिर हम आपको नेक्स्ट जब वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें आपको हम दूसरा तरीका से भी बताएंगे, तो इससे जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रत्यक्ष विधि के बारे में। तो प्रत्यक्ष विधि मतलब होता है डायरेक्ट विधि, तो डायरेक्ट विधि जो होता है ना, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है माध बराबर, तो माध को बुआ हम एक्स पर रैकरिंग से डिनोट करते हैं, तो माध बराबर σ f(x) / σ f, क्या लिखते हैं तो आप फिर से देख लीजिए, σ f(x) / σ f, यहाँ पर ii लगा दिया है, σ f(i) / σ f(i). ठीक है, जहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ से आपका एक नंबर का सवाल यहाँ से भी बन जाता है कभी कभी, कि वर्ग चिन्ह पूछ देता है, क्या पूछ देता है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा 2, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते थे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा, क्योंकि एक नंबर का डायरेक्ट सवाल भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस तरह के वर्ग अंतराल में कैसा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न को, देखते हैं अब 5 नंबर का प्रश्न कैसा रहता है। देखिए इस तरह के प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्रश्न इस तरह से रहते हैं, निम्न आंकड़ों का माध ज्ञात करें, जैसे आपको एक आंकड़ा दिया गया है बॉक्स के रूप में आपको बनाकर, जैसे यहाँ पर वर्ग चिन्ह है 0 से 2 2 से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 10 10 से 12 12 से 14, और रहेगा बारंबारता नीचा में 1 2 1 5 6 2 3, यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है और इससे आपको कहा जा रहा है कि निम्न आंकड़ों का माध ज्ञात करना है, तो इसमें आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि किस विधि से बनाना है, लेकिन आपको जो आसान विधि लगे उसी से बनाना है। तो पहला हम विधि आज बात करेंगे प्रत्यक्ष विधि से, किस तरह से प्रत्यक्ष विधि से सीखेंगे, तो देखिए इसमें आप लोगों को सबसे पहले करना क्या होगा, इस तरह के बॉक्स बनाने होंगे, पहला तो आप देख पा रहे होंगे वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल को इस तरह से बना लीजिएगा, तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो पहले वर्ग अंतराल लिख लिए, तो वर्ग अंतराल आप देख सकते हैं 0 से 2 2 से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 10 10 से 12 12 से 14, तो इसमें हम वो चीज़ लिख दिए 0 से 2 2 से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 10 10 से 12 12 से 14। ठीक, और ये क्या है, बारंबारता, तो बारंबारता भी हमको दिया हुआ था, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, तो बारंबारता तो लिख दिए, अब आपको बक्सा 2 एक्स्ट्रा बनाना होगा, एक होगा नया चीज़ वर्ग चिन्ह, क्या होगा बुआ सर, वर्ग चिन्ह आपको निकालना होगा, और एक निकालना होगा f × x, क्या निकालना होगा f × x, तो इसमें आपको एक वर्ग चिन्ह को बक्सा भरना है और एगो f × x निकालना है, कैसे निकालते हैं बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप ध्यान से देखिएगा, पहले तो आपको वर्ग चिन्ह निकालने का अभी हम आपको फॉर्मूला बताए थे, थोड़ा सा देख लीजिए आप एक बार,
कि ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा दो, यानी कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा दो। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है, ये दोनों को हम जोड़ देंगे और दो से भाग देंगे, तो दो में जीरो जोड़ेंगे तो कितना आएगा दो, और दो में दो से भाग देंगे तो आएगा एक। क्या ये आप समझ में आ गया आप लोग को? अगर न समझ में आए तो इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हैं, जीरो और दो के बीच में कौन आएगा, एक आएगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं। और ऐसे आराम से कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दीजिएगा और दो से भाग दे दीजिएगा। अगला देखिएगा, दो और चार है तो दोनों को जोड़ देंगे तो चार और दो क्या होगा छ, और छ में दो से भाग दे दीजिएगा तो आपका आएगा तीन। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, चार और छ को जोड़ दीजिए तो दस, दस बटा दो कितना आएगा पांच, ठीक है। छ और आठ को जोड़ेंगे तो चौदह, चौदह बटा दो कितना आएगा सात। आठ और दस को जोड़ेंगे तो अठारह, अठारह बटा दो कितना आएगा नौ। और 10 और 12 को जोड़ेंगे तब 22, 22 बटा दो कितना आएगा 11। समझ में आ रहा है ना? 12 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26, और 26 के दो से भाग देंगे तो आएगा 13। और एक और सिंपल सा तरीका बताते हैं, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं कैसे। 0 और 2 के बीच में एक है, 2 और 4 के बीच में तीन है, 4 और 6 के बीच में कौन है पाँच है, 6 और 8 के बीच में सात, 8 और 10 के बीच में नौ, 10 और 12 के बीच में ग्यारह, 12 और 14 के बीच में 13। तो डायरेक्ट आप बीच वाला जो नंबर होगा ना वो भी लिख सकते हैं, तो उसी को हम वर्ग चिन्ह बोलेंगे। और वर्ग चिन्ह अगर बीच वाला न पता चले तो आप वही प्रयास कीजिएगा, ये दोनों को जोड़ के दो से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो वर्ग चिन्ह तो आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो जब वर्ग चिन्ह निकाल लीजिएगा तो उसको बाद क्या करना है, एफ में एक से गुना करना। तो देखिए, बारंबारता को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं एफ से, और वर्ग चिन्ह को हम एक्स लिखते हैं, किससे लिखते हैं एक्स से। अब आपको क्या करना है, एफ में एक्स से गुना करना है, तो ये सामना सामने आपको गुना करना है। तो एक में एक से आप गुना कीजिए तो कितना आएगा एक, फिर दो में तीन से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा तीन दूना छः, फिर देखिएगा एक में पाँच से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा पाँच। समझ में आ रहा है ना? पाँच में सात से गुना कीजिएगा तो सात पचे पैंतीस, ठीक है। और छः में नौ से गुना कीजिएगा तो नौ छः चौवन, यहाँ तक समझ में आ रहा है। दो में ग्यारह से गुना कीजिएगा तो ग्यारह दूना बाईस, और तीन में तेरह से गुना कीजिएगा तो तृतीया उनचालीस, ठीक है। तो गुना तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपको दो चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ देखिए, बारंबारता को जोड़ेंगे ना तो उसको हम सिग्मा एफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे बुआ सा, सिग्मा एफ। और ई एफ गुने एक्स को जोड़ेंगे ना तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स। तो हम इसको बारी बारी से जोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग जोड़ लेते हैं बारंबारता को। दो जोड़ लीजिए, पहले इसको देखिए, दो एक तीन, तीन एक चार, चार पाँच नौ, नौ छः पंद्रह दो सत्रह, सत्रह आ तीन बीस। तो इसको जोड़ लिए तो कितना आया बीस आया। अब हम लोग इसको बारी बारी से जोड़ते हैं, तो देखिए कैसे भी आप जोड़ सकते हैं, छः एक सात, सात पाँच बारह, बारह आ पाँच सत्रह, सत्रह चार इक्कीस दो तेईस, तेईस और नौ बत्तीस, बत्तीस के दो हासिल तीन बच गया, ध्यान से देखिएगा। तो तीन हासिल है, तीन तीन छः, छः पाँच ग्यारह और दो तेरह, तेरह और तीन सोलह, तेरह तीन कितना होगा सोलह। तो इसको हम जोड़ लिए तो कितना है एक सौ बासठ। तो इसको आप आराम से जोड़ सकते हैं, तब आप लिखिएगा माध बराबर, माध बराबर। अभी आपको बताया गया था माध का फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटा कितना सिग्मा एफ। अब देखिए, सिग्मा एफ एक्स मतलब यहाँ से ये जोड़ के जो लाए हैं ना वो लिखिएगा, तो एक सौ बासठ लाए थे तो एक सौ बासठ लिखिएगा। अब बटा में ये सिग्मा एफ है, तो सिग्मा एफ यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको आप जोड़ के लाए थे कितना आया था बीस, तो आप लिखिएगा बीस। तो पहले आप इसको भाग ना देकर काट के देख लीजिए, तो आधा करेंगे तो दस, इसको आधा करेंगे तो इक्यासी, ठीक है, आधा कर सकते हैं ना, सोलह आठ और दो का एक, तो इक्यासी बटा दस, तो इक्यासी बटा दस आया। इसको अगर आप भाग दीजिएगा दस से, तो याद रखिए एगो सुनना है तो एगो एगो गिन के दशमलव बैठा सकते हैं इस तरह से 8.1, और यही आपका आंसर होगा। अगर डायरेक्ट भाग न दशमलव न बैठाने आए तो आप इसको भाग दे सकते हैं, भाग देकर देख लीजिएगा ये आंसर कितना आएगा 8.1। तो इस तरह से आप प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं प्रत्यक्ष विधि से। तो आप लोगों, ये जो प्रश्न आपको बताया, इस तरह के पांच नंबर के प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।